नमस्कार, आप देख रहे हैं एपटी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित युवती ने गैंग रेप का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि बीते 15 दिनों पहले शौच के लिए जंगल गई थी, तभी पहले से घात लगाए दो युवकों ने जाति सूचक गालियां देते हुए सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। साथ ही मोबाइल से वीडियो फोटो बनाकर धमकाते हुए कहा कि किसी को बताया तो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने मेरी फोटो पर अपशब्द लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस मामले को लेकर नाबालिग युवती के पिता ने बताया कि पिछले 15 दिनों से थाने पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दलित हूँ, गरीब हूँ, शायद इसी वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। वहीं जब इसको लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामला संज्ञान में है, पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समस्या ये है बाबूजी कि हमारे लड़की बाहर भीतर गई थी, वहाँ पर उसको दो मिला मिलकर एक नाम इस ताना है राम कृष, दोनों मिलकर हमारे लड़के के साथ शेरबाजी की और उसके साथ गलत निगाह उठाकर जंगल में पकड़ ले गए, गलत किया उसके साथ। हाँ, ये भी साहब कहें है कि पहले तुम हमारा जो करना हो कह लिहो, हम जात के साहब दलित परिवार हूँ, इसी वजह से हम साहब डर गया और इसे धमकी दे के आप वो लोग चले गए। आप इसकी शिकायत थाने पर नहीं किए थे? थाने पर नहीं गए थे आप? थाने गए थे। क्या हुआ? वहाँ सुनवाई कुछ नहीं हुआ था। क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले यही कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, 15 दिन का दिन बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है, हम कहाँ आप जाएंगे। मैं साहब यही दलित परिवार हूँ और हमको कुछ न्याय दिया जाए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाऊँगा और हम क्या करें। तो हमारी लड़की नाबालिग थी, अब हम क्या करें, कहाँ ले जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? 17 साल कुछ महीना है। अरे फोटो डाल दी नहीं व्हाट्सएप पर, हम गलत बात कह के साहब यही बात है, फेसबुक और नेट पर छोड़ दी नहीं फोटो। क्या समस्या है? बाहर गए रहन, बाहर से आत रहे लड़के हैं तो दो जने पकड़ लेना ही चिल्ही ना पकड़ के, और गरिया नहीं गई, चिन्नू नाम है कृष राम। क्या कहत रहे हैं? कहत रहे चमान की दात के यहाँ का करत है रे, तो हम कहन कहो ना कुछ ना कर, तो का करी थका कहते जान करे खो जान कह लो चमार के जात कुछ कहना है फिर हमार ये बात कही छेड़बाजी करे कह देव तो जस करो बस करो फोटो खींच कर फेसबुक पर डाल दी। का भय रहा आपके साथ? आपके साथ गलत कह दिन हाँ दो जने मिलकर। के रहा जी आपके साथ गलत काम किया? रिश राम ना है अब चिन्नू ना है। कितना उम्र है आपकी? उम्र कितना उम्र है आपकी? 17 साल। हाँ थाना गए रहे हो? गए रहे थाने भवानीगंज। का कहें कुछ ना कहें, हमारी सुनवाई ना है। का कहा थे थाना वाले? थाना वाले कहते कुछ ना कहा थे, कहना कि अरे 10-15 दिन हो गए कारे आज हुई बिहान हुई। पंद्रह दिन हो गया कोनो सुनवाई भवा ना है और नेट पर फिर फोटो खींच कर डाल दी है। उक्त प्रकरण में थाना भवानीगंज पे तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें शीघ्र विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।